हेलो, मैं अजीत कुमार कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फॉर्म्स ऑफ वर्ब को सीखा, उसके नंबर को सीखा, उसके टेंस को सीखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट के डेफिनेशन को सीखा, वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ कहाँ आ सकता है ये हम लोगों ने सीखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट को पहचानने के कुछ ट्रिक्स को सीखे, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि यदि आपको एक बड़ा सा वाक्य मिलता है, जैसे कि एक आपको वाक्य मिलता है जो 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन या उससे भी बड़ा हो, तो ऐसे बड़े से वाक्य में आप सब्जेक्ट को आसानी से कैसे पहचान पाएंगे। और उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कुछ टाइप्स को देखा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के डिफरेंस को सीखा, उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंट्रोडक्शन देखा। इन आवर लास्ट वीडियो सेशन इन आवर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेक्चर नंबर 1 वी लर्नड अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इट्स नंबर, इट्स टाइप्स, देन अबाउट सब्जेक्ट, डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन अ गिवन सेंटेंस, ट्रिक टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, एंड इफ यू गेट अ लार्ज सेंटेंस लाइक अ सेंटेंस ऑफ 3 लाइन्स 4 लाइन्स 5 लाइन्स एंड सो ऑन, देन इन दैट गिवन बिग सेंटेंस हाउ टू आइडेंटिफाई ए स्मूथली ईजली अ गिवन सब्जेक्ट, देन अबाउट ऑब्जेक्ट इट्स टाइप्स, एंड देन अबाउट कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, एंड जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो अब आज के क्लास को शुरू करने के पहले हम चाहेंगे कि अपने पिछले क्लास के एक ग्लिम्स को देखें, ठीक है। तो यदि आप में से कोई भी, इफ एनी वन ऑफ यू हैवंट गॉन थ्रू दैट लेक्चर नंबर 1, दैट इज इफ एनी वन ऑफ यू हैवंट गॉन थ्रू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लेक्चर नंबर 1, सो प्लीज गो थ्रू दैट। तो यदि आप में से किसी ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लें, बिकॉज इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर योर CHSL और एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, बट ऑल्सो यूजफुल फॉर योर ऑल सेक्शंस, वेदर इट बिलोंग्स टू योर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, रीडिंग, राइटिंग एंड मेनी मोर। तो ये जो पिछला क्लास था मेरा, वो न केवल आपके CHSL या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए था, बल्कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और आपके रीडिंग, राइटिंग या अन्य कोई भी जो क्षेत्र है इंग्लिश सब्जेक्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज में, उन सभी सेक्शंस के लिए काफ़ी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देखें। तो आइए अब आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं, और आज के क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कई रूल्स को, कई कॉन्सेप्ट को सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो सेशन में भी या आगे के भी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन होंगे, जहाँ कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी हो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, तो पिछले क्लास का जो कॉन्सेप्ट था आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम लोग पिछले क्लास के एक ग्लिम्स की तरफ। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग सेंटेंस का नाम लेते हैं, ये एक इम्प्रेशन हमारे दिमाग में छप जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था, इसके बाद हमने आपको बताया था कि जैसे नाउन बाय बर्थ होता है, नाउन जनरली बाय बर्थ होता है सिंगुलर, और नाउन के लास्ट में एस लगा के उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। इन द सेम वे वर्ब बाय बर्थ होता है प्लूरल, और वर्ब में एस जोड़ के हम लोग उसको बनाते हैं प्लूरल से सिंगुलर। और फिर हमने आपको बताया था कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। आप में और हम में से कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि वर्ब के केवल 3 ही फॉर्म होते हैं। इस मिथ को, इस कन्फ्यूजन को हमने दूर करने का प्रयास किया था। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं भाई? तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। और फिर ये देखिए, ये जो वर्ब के फॉर्म हैं, ये जो वर्ब के 5 फॉर्म्स हैं, इनका नंबर क्या होता है, इनका टेंस क्या होता है, ये हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमने आपको सब्जेक्ट का डेफिनेशन और उसका प्लेस, फिर उसका ट्रिक, और फिर आपको एक बड़ा सा सेंटेंस होता है दिया हुआ, तो उसमें हम लोग कैसे बड़े सेंटेंस में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। और ये सारे एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने इसको देखने का, समझने का प्रयास किया था, ये इसका ट्रिक था। और फिर यहाँ देखिए, हमने आपको जो बड़ा बड़ा सेंटेंस मिलता है, उस बड़े बड़े सेंटेंस में यदि आपको सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होती है, तो उसके रिगार्डिंग ये सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बताए थे। फिर हमने आपको बताया था किसी भी गिवन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, वो सिर्फ 2 ही चीज़ होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन।
बट ऐसे वर्ब भी कभी कभी सब्जेक्ट का काम करते हैं तो उनका नाम अलग होता है। ये वर्ब हैं लेकिन वर्ब का रोल प्ले यहाँ पे नहीं कर रहे, यहाँ पे रोल प्ले करते हैं सब्जेक्ट का, तो इनका नाम चेंज हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट को समझा था, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों ने सीखा था। और यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन लिया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो किस तरीके से होता है। तो आइए यहीं से हम लोग अपने आज के इस क्लास की शुरुआत करेंगे और अब हम लोग चलते हैं अपने आज के इस क्लास की तरफ। तो आइए आज के अपने इस क्लास में हम लोग सबसे पहले सीखें कि सब्जेक्ट को पहचानने में आपको कहाँ कहाँ दिक्कत जाती है, आप कहाँ कहाँ फंसते हैं। तो पेन के कलर को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं और विड्थ को भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। अब आइए यहाँ से हम लोग सीखना शुरू करें। ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट होता है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट दो ही चीज़ हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, एन फॉर नाउन और पी आर फॉर प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन और कुछ भी गिवन होता है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन होता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर इंटेंशनली दिया जाता है। क्या गिवन होता है भाई? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट होता है, जैसे आपको यहाँ पर कोई नाउन गिवन हो और इस नाउन के साथ आप देखेंगे इन ए पोजीशन का यूज किया गया हो, ए पोजीशन, इन ए पोजीशन, सॉरी इसको कट करना भाई, इसको कट कर लेना भाई, ठीक है। तो हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जिसको आज हम यहाँ पे फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, कि यहाँ पे आपको कोई नाउन गिवन हो, नाउन गिवन हो और नाउन का यहाँ कोई इन ए पोजिशन यूज किया गया हो, या यहाँ पे आपको कोई नाउन गिवन हो और नाउन के बाद यहाँ पे डिस्क्राइबिंग एलिमेंट गिवन हो, डिस्क्राइबिंग एलिमेंट गिवन हो, तो ये जो डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होता है या ये जो ए पोजिशन यूज किया जाता है, ये हमारे सेंटेंस का कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। इस बात को आप ठीक से समझिए। अब इसको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, यूं ही बात समझ में आती नहीं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अशोका द ग्रेट वॉज अ ब्रेव वॉरियर, अशोका द ग्रेट वॉज अ ब्रेव वॉरियर। अब आप यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं और आप इसको ठीक से समझिए। ये अशोका क्या है? तो नाउन है, ठीक है। अब ये देखिए, द ग्रेट ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे के क्लासेस में और आगे के टॉपिक्स में सीखते चलेंगे। जैसे आगे के टॉपिक्स में हम लोग सीखेंगे नाउन को कैसे पहचाने, नाउन कहाँ कहाँ आता है, गिवन सेंटेंस में नाउन का प्लेस क्या क्या होता है, और उन सभी के मदद से आप कई फीलर्स को बना पाते हैं, कई क्लोज टेस को बना पाते हैं, या कई बार आप कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इनके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, बट सब वन बाय वन सिस्टमेटिक वे में हम लोग सीखेंगे। तो आइए यहाँ कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये वर्ब गिवन है। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, इसके रिगार्डिंग हमने आपको कल भी पढ़ाया था कि लिविंग के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हु का। और नॉन लिविंग के साथ क्या यूज़ करेंगे? व्हाट का। किसका यूज़ करेंगे? व्हाट का। किसके साथ यूज़ करते हैं? तो वर्ब के साथ अटैच करते हैं हु या व्हाट। ये हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यदि आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है तो सिंपली आप वर्ब को पकड़ लीजिए और वर्ब के साथ अटैच कर दीजिए, लिविंग के लिए हु, नॉन लिविंग के लिए व्हाट। चलिए यहाँ पे देखें जरा, हु वॉज अ ग्रेट वॉरियर, कौन एक बड़ा वॉरियर था, योद्धा था। आंसर आपको क्या मिला? आपको आंसर मिलता है अशोका, ठीक है। तो ये अशोक कैसा है भाई? सिंगुलर है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब नाउन आप पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में नाउन के 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज एंड ऑलवेज होते हैं सिंगुलर,
ठीक है, और इन्हीं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल माना जाता है। रिमेनिंग जो तीन टाइप्स होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन तीनों का सिंगुलर और प्लूरल होता है। सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज़ करते हैं या यूज में जो हमें मिलता है वो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो होता है वो जनरली सिंगुलर होता है, बट कभी कभी एक ही ग्रुप में एक से ज़्यादा प्रॉपर नाउन प्रेजेंट हो, इन दैट केस प्रॉपर नाउन का हम लोग सिंगुलर से प्लूरल यूज़ करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। बाकी सामान्य तौर पे हम लोग इससे बचते हैं, जनरली ये सिंगुलर होता है, ठीक है। तो अभी अशोका क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो ये कैसा हो गया, सिंगुलर। वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। अब यहाँ देखिए ये जो वर्ब गिवन है कैसा है, सिंगुलर, ठीक है, क्योंकि वॉच सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है। इतनी बातें हम आशा करते हैं कि आप लोग जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो अब जानें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब ये था आपका इन ए पोजीशन, इसी को हम लोग इन ए पोजीशन कहते हैं, अशोका द ग्रेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इन ए पोजीशन, ठीक है। अब डिस्क्राइबिंग एलिमेंट क्या है, आइए इसको भी सीखते हैं हम लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज में, और डिस्क्राइबिंग एलिमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आइए डिस्क्राइबिंग एलिमेंट, जैसे हमने पिछले क्लास में एक एग्जांपल आपको दिया था, राधा, हु इज अ फेमस डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज नॉट प्रेजेंट फिजिकली इन द वर्ल्ड नाउ। अब आप इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान से देखिए, और इसमें हम लोग फिर से डिस्क्राइबिंग एलिमेंट को पहचानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये राधा क्या है, तो ये एक नाउन है। अब राधा के बारे में देखिए, यहाँ हु से लेके इस कृष्ण तक इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यदि कोई नाउन, कोई सब्जेक्ट आपको गिवेन हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, ऐसा कोई भी वर्ड आपको गिवेन हो, और कोई दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड आकर उसको उसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे या उसको क्वालिफाई करे, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग कहते हैं डिस्क्राइबिंग एलिमेंट। अब देखिए ये जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो आपका फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में देखिए डिस्क्राइबिंग एलिमेंट कहाँ आता है, तो यहाँ पर आता है। डिस्क्राइबिंग एलिमेंट कहाँ पर आता है, यहाँ पे आता है। यहाँ पे मतलब ये डिस्क्राइबिंग एलिमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है, ताकि ये आसानी से आपको कंफ्यूज कर सके, ठीक है। ये क्यों आता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे आप सुनते हैं कबाब में हड्डी, दो लोगों के बीच में कुछ तिकड़ी बन रही हो और बीच में कुछ परेशानी आ जाती है, तो हम लोग बोलचाल में यूज़ कर लेते हैं कबाब में हड्डी। इन द सेम वे डिस्क्राइबिंग एलिमेंट किसका काम करता है, कबाब में हड्डी टाइप का काम करता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में इसका यूज जानबूझकर इसीलिए किया जाता है, ताकि आपको वर्ब को या ये जो गिवन वर्ब है, इस वर्ब के सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में परेशानी हो। तो या तो आप सब्जेक्ट को पहचानने में परेशान हो, कन्फ्यूजन हो, या आप गलती करें, या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब को हमें एग्री करवाना होता है, दैट इज सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब रखना होता है सिंगुलर, सब्जेक्ट और प्लूरल, तो वर्ब जो रखना होता है प्लूरल, तो चूंकि आपको इसी को सब्जेक्ट को पहचानने में ही कन्फ्यूजन होगा, तो इसकी वजह से आप यहाँ वर्ब के सेक्शन में, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेक्शन में आप एरर कर बैठे, ठीक है। तो आप इनसे बचने का प्रयास कीजिए और इसको पहचानना सीखिए। तो ये पूरा का पूरा, ये जो ब्रैकेट वाला, बिग ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्क्राइबिंग एलिमेंट। और जो भी डिस्क्राइबिंग एलिमेंट होता है वो हमारे किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, कैंसल हो गया। इसका कलर थोड़ा हम चेंज कर ले, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, कैंसल हो गया, लॉर्ड कृष्ण तक। अब देखिए ये आपका वर्ब है, आप इस वर्ब के साथ अटैच कर दीजिए, Who is not present physically in the world now? कौन present नहीं है भाई, तो आपको आंसर क्या मिलेगा कि ये राधा present नहीं है, चर्चा इसकी हो गई, ठीक है। आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने आपको लास्ट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर नंबर 1 में
जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको एक सेंटेंस बड़ा सा गिवेन हो या आपको सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग में खुद से भी आपको यदि लगे कि बड़ा है हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप SBM का यूज़ कर लीजिए। SBM यानी सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर लीजिए और उस मेथड का यूज़ करके आप आसानी से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बड़े काम की बातें थी जो हम सबको जानना चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं हम लोग और चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की तरफ। तो फिर इसके बाद हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि सेंटेंस का ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट वन साइडेड है, दैट इज़ ये जो वर्ब है इसको फॉलो करना होता है हमेशा सब्जेक्ट को। दैट इज़ कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो, सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, तो हमें वर्ब को भी कैसा रखना होता है, प्लूरल। यानी कि सब्जेक्ट मान लीजिए कि कोई नाउन हो, उस नाउन में एसीएस लगा हो तो वर्ब में एसीएस नहीं लगेगा, लेकिन यदि सब्जेक्ट हो हमारा सिंगुलर, कैसा हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अर्थात कि मान लीजिए जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन है और उसके लास्ट में एसीएस नहीं लगा हुआ है तो हमें वर्ब को भी रखना होगा सिंगुलर। दैट इज़ कि प्रेजेंट की बात करें तो वर्ब में एसीएस हम लोग लगाकर यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, आज भी हमने आपको रिवाइज करवाया, नाउन के लास्ट में एसीएस लगा के हम लोग उसको बनाते हैं प्लूरल, वर्ब के लास्ट में एसीएस लगा के हम लोग उसको बनाते हैं सिंगुलर। ठीक है, बट जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है उसका यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है फोर्थ फॉर्म होता है, तो इन तीनों ही फॉर्म का, वर्ब के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों ही फॉर्म का यूज़ किसी भी नंबर में नहीं होता। दैट इज़ ये तीनों ही फॉर्म न तो सिंगुलर होते हैं न प्लूरल होते हैं, बल्कि इन तीनों ही फॉर्म का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जिस तरीके से होता है ठीक उसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था और फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लाइक सब्जेक्ट, लाइक सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, यही हम लोगों ने पढ़ा था, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, यही रूल है और यही बेसिक रूल है, फंडामेंटल रूल है पूरे के पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का। दैट इज कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब रहेगा सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब रहेगा प्लूरल। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है, तो अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलेंगे और चलेंगे कुछ रूल्स की तरफ। तो आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं कि हमारा पहला रूल क्या है। इसके लिए अब हम लोग चलेंगे थोड़ा स्लाइड में। तो देखिए ये हमारा CHSL बेस्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का स्लाइड है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखी थी, ये ग्रामर के सेक्शन को हम लोग अलग अलग पार्ट में जो बांट के पढ़ते हैं इन सबों को देखा था और इन सारे क्वेश्चंस में हम लोगों ने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना सीखा था। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के जो रूल पढ़े थे उन सबको यहाँ पे अप्लाई किया था। अब आइए आज हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज का हमारा जो क्लास है अब सबसे पहले यहीं से शुरू होता है कि हमारा पहला रूल क्या है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। अब इस रूल से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इन सबों पे चर्चा हम लोग करेंगे और हम इसी मोड में आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फटाफट और सीखना शुरू करते हैं। देखिए अ लॉट ऑफ किस किस तरीके से इस रूल पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें किस तरीके से आपको कंफ्यूज करके एरर में आपको फंसाया जाता है। तो ये जो पहला रूल है अ लॉट ऑफ और इसी के समकक्ष दूसरा रूल है लॉट्स ऑफ, दोनों के मीनिंग में और यूसेज में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं कोई असमानता नहीं है, भिन्नता नहीं है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर इनसे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। पहले जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ये, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि इसके बाद यदि यहाँ पर कोई नाउन या प्रोनाउन आए, दैट इज़ यहाँ पर कोई सब्जेक्ट आए, तो ये जो सब्जेक्ट होगा ये जैसा होगा इसी के अनुसार यहाँ पे आने वाला वर्ब होगा। ठीक है, दैट इज़ कि ये जो वर्ब है ये वर्ब एग्री करेगा इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आने वाला जो सब्जेक्ट है ये यदि UCN हो, UCN बोले तो अनकाउंटेबल नाउन, UCN का मीनिंग क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो
अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आप जान लीजिए, सीख लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा और हमेशा होता है सिंगुलर। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। किंतु एक अनकाउंटेबल नाउन ऐसा है जो हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं और वो है ड्रेस। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे नाउन में, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखते हैं अनकाउंटेबल नाउन यदि गिवन हो तो अनकाउंटेबल नाउन कैसा होगा? हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगा। किंतु यदि यहाँ पे कोई काउंटेबल नाउन गिवन हो, कैसा नाउन गिवन हो? काउंटेबल। तो जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। किंतु यदि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल हो तो ये हमेशा और हमेशा लिखा जाएगा प्लूरल। कैसा लिखा जाएगा? प्लूरल लिखा जाएगा। और तब इसके बाद यहाँ जो वर्ब आएगा ये वर्ब भी रहेगा प्लूरल। चलिए तो आप फटाफट इसको जरा नोट कर लें अपने कॉपी में। तो हम आपको ये बता रहे थे कि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, जो नाउन या प्रोनाउन होगा, ये यदि अनकाउंटेबल होगा तो इसको रखा जाएगा सिंगुलर, और तब इस कंडीशन में इसके बाद आने वाला वर्ब भी होगा सिंगुलर। किंतु अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि काउंटेबल हो तो ये कभी भी सिंगुलर नहीं होगा, और तब इस केस में इसके साथ वर्ब भी कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। अर्थात कि ये नाउन और ये वर्ब इस कंडीशन में दोनों ही रखे जाएंगे प्लूरल, ठीक है। अब चलते हैं अगले पेज में हम लोग। कहाँ पे आपको इंटैंगल किया जाता है, दैट इज आपको फंसाया कहाँ पे जाता है? अब या तो अ लॉट ऑफ का यूज होता है, इसको थोड़ा ठीक से हम लिखें वरना आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको लिखने का करेक्ट वे ये है अ लॉट ऑफ। तो या तो अ लॉट ऑफ का यूज होगा या लॉट्स ऑफ का यूज होगा, लॉट्स ऑफ का यूज होगा। इसके बाद यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन आएगा और तब इसके बाद यहाँ पे वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। ये बात आप समझ चुके। अब आपके एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ पे एरर पूछा जाता है इसकी चर्चा हम करते हैं, और इसके लिए यूज़ करते हैं वाइट पेन का। यहाँ पे एरर रहेगा या यहाँ पे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के केस में मैक्सिमम टाइम एरर यहाँ पे देखने को मिलता है, कभी कभी यहाँ पे मिलता है। एक और सेक्शन है ये वाला सेक्शन, जहाँ पे आपके एसएससी में जम के क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस सेक्शन में जब एरर डाला जाता है तो आप स्मूथली स्लिप कर जाते हैं, एकदम आसानी से आप यहाँ पे फंसते हैं। अब यहाँ पे एरर पूछा कैसे जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, या तो अ लॉट ऑफ होगा, दैट इज लॉट के पहले यदि अ लगा होगा तो लॉट में एस एस नहीं लगाते, और लॉट में यदि एस एस लगा हो तो इसके पहले आर्टिकल ए का यूज नहीं किया जाता है। बट आपके एग्जाम में कैसे देगा? अ लॉट्स ऑफ, ये आपके एग्जाम में एरर का पार्ट बनता है। इस तरीके से पूछा जाता है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। और अब यहाँ पे ये जो नाउन या प्रोनाउन का पार्ट होगा, आप देखेंगे ये पार्ट करेक्ट गिवन होगा, और यहाँ पे ये जो वर्ब का पार्ट गिवन होगा, आप देखेंगे ये पार्ट भी करेक्ट होगा। तो कुल मिला के इन तीन सेक्शंस में एरर इस रूल से पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी, इस नाउन प्रोनाउन के सेक्शन में भी, और इस वर्ब के सेक्शन में भी। सबसे ज़्यादा एरर इस रूल पे बेस्ड है, यहाँ पे मिलेंगे, फिर यहाँ पे मिलेंगे, और तब यहाँ पे, ठीक है। ये बातें आप समझ चुके। तो आइए एक दो इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलते हैं एक एग्जांपल के लिए। अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन ग्रामर आर अवेलेबल ऑन दिस स्टॉल, ठीक है। किसी बुक स्टॉल के बारे में चर्चा की जा रही है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एरर को देखते चले, अ लॉट ऑफ का यूज़ किया गया। अब ये पहला सेक्शन देखिए, अ लगा हुआ है तो लॉट में सी एस नहीं लगा हुआ है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या है ये हम लोग देखें।
सबसे पहले आपको जहाँ कहीं भी क्वेश्चन दिखाई दे उसमें आप सबसे पहले देखिए कि सेंटेंस के बिगिनिंग में हो मिडिल में हो, इससे हमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि सेंटेंस में अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज़ किया गया है तो सबसे पहला काम है कि इस वाले पार्ट में एरर देख ले, आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है तो एसीएस नहीं हो, और यदि एसीएस लगा हुआ है तो उसके साथ आर्टिकल ए का यूज़ नहीं किया गया हो, ये पहला काम आप करेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन कहाँ चेक करेंगे, इस अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को चेक कर लेंगे, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल हो तो हमेशा सिंगुलर रहेगा, काउंटेबल हो तो हमेशा प्लूरल रहेगा। और तब इसके बाद आगे बढ़िए, आप चेक कीजिए इसके लिए वर्ब क्या यूज़ किया गया है। तो ये जो गिवन वर्ब का सेक्शन है, चूंकि यहाँ पे अ लॉट ऑफ के बाद जो बुक आया है वो कैसा है, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो ये है प्लूरल। और तब इस केस में इसके साथ यहाँ जो वर्ब यूज़ किया जाएगा वो प्लूरल यूज़ किया जाएगा, और आर कैसा होता है, प्लूरल होता है, इसलिए ये सेक्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा नाउन का सेक्शन भी करेक्ट है, अ लॉट ऑफ का सेक्शन भी करेक्ट है, और वर्ब का सेक्शन भी करेक्ट है। यदि तीनों ही सेक्शन करेक्ट हो तो इस सेंटेंस में कहीं कोई एरर नहीं बनता है, दैट इज इस सेंटेंस का आपका आंसर क्या बनेगा, नो एरर। ठीक है, लेकिन यहीं पे लिखा हुआ हो अ लॉट्स ऑफ वाटर, अ लॉट्स ऑफ बुक्स, तो बुक वाला सेक्शन तो ठीक है, वाटर वाला सेक्शन तो ठीक है, लेकिन अ के साथ लॉट में इस लगा था वो वाला सेक्शन एरर का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और स्लाइड में इस रूल पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले आप इन सारे क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इनको खुद से एक बार सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आशा करते हैं कि अब तक आपने इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का खुद से प्रयास कर लिया होगा। अब आइए हम लोग साथ साथ में इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमारे आपके जो अप्रोच हैं वो टैली करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए सबसे पहले अ लॉट ऑफ सारे क्वेश्चंस में, सारे के सारे क्वेश्चंस में हम लोगों का काम यहीं पे होगा, अ लॉट ऑफ, ये देखिए लॉट्स ऑफ, और ये देखिए अ लॉट ऑफ। तो जो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का सेक्शन है ये तीनों ही क्वेश्चन में, ये सेक्शन देखिए करेक्ट है, ये सेक्शन करेक्ट, ये सेक्शन करेक्ट, ये सेक्शन करेक्ट। तो पहला पार्ट तो हमारा सही हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है कि जो गिवन क्वेश्चन है इसमें इसके बाद नाउन या प्रोनाउन चेक करना है। तो यहाँ देखिए क्या मिला, गवर्नमेंट मनी, और ये जो मनी है ये कैसा होता है, मनी होता है अनकाउंटेबल, मनी कैसा होता है अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब ये अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, और ये वर्ब जो गिवन है ये वर्ब कैसा है, सिंगुलर, हैज सिंगुलर होता है, हैव होता है प्लूरल। ठीक है, तो ये पार्ट करेक्ट हो गया। और कोई वर्ब चेक कर ले हम लोग बाकी, और कोई वर्ब लॉट ऑफ गवर्नमेंट मनी के लिए यूज़ नहीं किया गया है तो हम छोड़ देंगे। हमारा आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर वन का आंसर बनेगा हमारा नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसी तरीके से अप्रोच करके, इसी अप्रोच के साथ हम लोग क्वेश्चन को टैकल करेंगे अपने एग्जाम में। अब आइए ये नॉर्म, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए ये क्या गिवन है यहाँ पे, नॉर्म। अब ये जो नॉर्म है, नॉर्म सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, तो यहाँ पे चूंकि नॉर्म काउंटेबल नाउन है और अ लॉट ऑफ के बाद यूज किया गया इसलिए इसको होना चाहिए प्लूरल, और ये गिवन भी है प्लूरल, तो नॉर्म वाला पार्ट करेक्ट हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ ये जो वर्ब यूज किया गया था, हम थोड़ा सा इसको क्लियर करते चले ताकि आपको समझने में कोई असुविधा नहीं हो। अब ये देखिए नॉर्म्स के बाद यहाँ जो वर्ब गिवन है ये वर्ब कैसा है, सिंगुलर, और हमने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले रूल में बताया कि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद यदि आने वाला नाउन काउंटेबल हो तो वो नाउन रहेगा प्लूरल, और उसके साथ वर्ब भी कैसा यूज़ करेंगे हम लोग, प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस इज को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे आर में, इस इज को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, आर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी जगह क्या लिख दें, आर। ठीक है, इसको रिमूव करेंगे, इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, आर। ठीक है, अब आपको एग्जाम में लिखना नहीं होता, आपको एग्जाम में क्या करना होगा, तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर माउस से क्लिक करना होगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। लॉट्स ऑफ फिस्कल स्टेप्स, वित्तीय कदम उठाए गए। अभी जो कदम है ये एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, जो उपाय है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। दैट इज ये जो स्टेप है, जो मेजर है, ये काउंटेबल है, उन्हें काउंटेबल है, तो अ लॉट ऑफ के बाद आ रहा है या लॉट्स ऑफ के बाद आ रहा है, इसलिए इसको रहना होगा प्लूरल और गिवन भी है प्लूरल। ये पार्ट हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब तीसरा सेक्शन क्या बचा, इस वर्ब का सेक्शन। तो ये वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल, गिवन कैसा है, सिंगुलर, तो क्या करें, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग आर में। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल कैसा होता है भाई, पीपल होता है प्लूरल, पीपल कैसा होता है प्लूरल। अब चूंकि पीपल काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल है, इसलिए इसके बाद यहाँ पे जो वर्ब आ रहा है ये भी कैसा होगा, प्लूरल। लिखा हुआ क्या हैज़ कहता हूँ, कैसा होता है सिंगुलर, तो हैज़ को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दें, हैव में। हैज़ को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, हैव में, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। हमारा अगला रूल क्या है, तो अगला रूल था हमारा लॉट ऑफ के बाद मोस्ट ऑफ। तो अब चलते हैं अगले पेज में, और अगले पेज में हम लोग समझते हैं मोस्ट ऑफ के रूल को। देखिए मोस्ट ऑफ का जो रूल है वो क्या है, और इसमें कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में आपसे एरर पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ का रूल भी कुछ उसी तरीके से है जैसा कि लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ करता। मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि यूसीएन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, हमेशा होता है सिंगुलर। तो ये हमेशा रहेगा सिंगुलर, और तब इस कंडीशन में इनके साथ यहाँ जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं, ये वर्ब भी लिखा जाएगा सिंगुलर। कैसा लिखा जाएगा, सिंगुलर लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ जो नाउन आएगा ये यदि काउंटेबल हो, तो यदि ये काउंटेबल होगा तो हमेशा और हमेशा लिखा जाएगा मोस्ट ऑफ के साथ प्लूरल, और तब इसके बाद यहाँ जो वर्ब यूज किया जाएगा, ये वर्ब भी कैसा रहेगा, ये भी लिखा जाएगा प्लूरल, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो एक बात तो आपको अब दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, आपके ब्रेन में फिक्स हो जाना चाहिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर, और वो वर्ब भी लेता है हमेशा सिंगुलर, चाहे इसके साथ मोस्ट ऑफ लगा हो, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ लगा हो, या कुछ भी नहीं लिखा हो, सिंपली कहीं भी सेंटेंस में केवल अनकाउंटेबल नाउन मिले तो उसके साथ प्रेजेंट में यदि यूज़ करना हो तो वर्ब यूज़ करेंगे हम लोग सिंगुलर, ठीक है। और चूंकि हमने आपको पिछले क्लास में बताया, आज के क्लास में हमने आपको रिवाइज भी करवाया, वर्ब के सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है, इन तीनों ही फॉर्म का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ एज इट इज होता है, समान रूप से होता है। इसलिए ये जो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये यूज भी होगा, अप्लाई भी होगा, तो कहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है। अब एक दो इनका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर चलते हैं हम लोग इन रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले इनका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो आइए इस रूल पे बेस्ड एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मोस्ट ऑफ कैटल्स आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग एरर को ढूंढने का प्रयास करें। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में जरा देख के हमें ये बताइए कि क्या कैटल में एसईएस लगता है या नहीं लगता है। तो आगे चल के हम लोगों को नाउन में पढ़ना है, आगे जो हम लोग नाउन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोगों को पढ़ना है कि जो कैटल है ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है, और ये हमेशा और हमेशा होता है प्लूरल, और चूंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है इसलिए इसके लास्ट में हम लोग एसईएस का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ से इसका एस हटाना होगा, ठीक है। चलिए एस हमने हटा दिया। अब देखिए क्या है कि जो कैटल है कलेक्टिव नाउन है, ये प्लूरल है, तो इसके चूंकि अब ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल है प्लूरल है, तो यहाँ मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो प्लूरल हो गया है, तो इसके कारण से यहाँ पे आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो ये नाउन का पार्ट भी करेक्ट है, ये वर्ब का पार्ट भी करेक्ट है। अब हम लोगों को सीखना ये बाकी रह गया कि ये जो मोस्ट ऑफ का रूल है इसमें कहाँ कहाँ किस किस सेक्शन में एरर पूछे जाते हैं। जैसे लॉट ऑफ वाला जो रूल था उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि लॉट ऑफ के सेक्शन में, उसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के सेक्शन में, और वर्ब के सेक्शन में, दैट इज उसमें तीनों ही सेक्शन में एरर पूछे जा सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे ये जो मोस्ट ऑफ वाला सेक्शन है, इस सेक्शन में कहीं कोई एरर नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं होता, तो इस सेक्शन में एरर पूछा जाता है, दैट इज मोस्ट ऑफ के केस में। उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के सेक्शन में एरर होगा, और फिर इसके बाद आने वाले इस वर्ब के सेक्शन में एरर होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा एरर आपके इस वर्ब वाले सेक्शन से, पार्ट से पूछा जाता है, और देन उसके बाद इस वाले पार्ट से एरर बनता है, ठीक है। इसमें बहुत कम एरर दिखाई देते हैं, इसी पार्ट में सबसे ज़्यादा एरर आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए अब इस रूल को समझने के बाद हम लोग चलते हैं स्लाइड में, और अब हम लोग मोस्ट ऑफ के रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इन सारे क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद हम लोग साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि अब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बार प्रयास खुद से कर चुके होंगे। अब आइए साथ साथ हम लोग सीखना शुरू करते हैं, साथ साथ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ताकि यदि आपको सॉल्व करने में कहीं कोई असुविधा परेशानी हो रही हो तो आपको उसमें मदद मिल सके, आपका इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। तो देखिए मोस्ट ऑफ सेंटेंस के केवल बिगिनिंग में ही नहीं आ सकता, ये सेंटेंस के मिडिल में भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब मोस्ट ऑफ का यूज़ आपके गिवन क्वेश्चन में चाहे जहाँ कहीं भी किया गया हो, आप सिंपली मोस्ट ऑफ को पकड़िए, और मोस्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को पकड़िए। तो मोस्ट ऑफ के बाद देखिए हम लोग आने वाला जो यहाँ पे ये देखिए प्रोनाउन है, ये देखिए प्रोनाउन है, ये देखिए प्रोनाउन है, ये भी देखिए क्या है भाई, तो ये फैमिली मेम्बर्स, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, तो ऐसे नाउन जो एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, नोटबुक, क्लासमेट वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे नाउन के क्लास में पढ़ेंगे। चलिए तो अब यहाँ देखें, ये जो अस लिखा हुआ है ये काउंटेबल है, सबसे पहले ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, इसको कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल है तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। तो अब यहाँ देखिए ये जो वर्ब लिखा हुआ है, वर्ब का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लें, तो ये जो गिवन वर्ब है, इस वर्ब में आप यहाँ पे देखिए कि ये जो गिवन आपका वर्ब है, ये भी शायद ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, हम इस कलर को थोड़ा यूज़ करके देख लें, हाँ सही है ये। तो ये जो गिवन वर्ब है वॉन्ट्स, वॉन्ट में एस एस लगा हुआ है, तो ये कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, तो इसका एस एस हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, क्या बन जाएगा, प्लूरल। तो हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर ए। चूंकि आपको आपके एग्जाम में वहाँ करेक्शन नहीं करना होता है, केवल माउस क्लिक करना होता है जिस सेक्शन में एरर है या जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, देम, देम के बाद आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो ये देखिए अचीव्ड है, ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, और जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है उसको सिंगुलर प्लूरल से कोई एतराज नहीं होता है, वो सभी फॉर्म्स के साथ सेम तरीके से यूज किया जाता है, समान रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको एक और वर्ब दिखाई दे रहा है हु के बाद, अब ये जो वर्ब का यूज किया गया ये किसके लिए यूज किया गया, इस वर्ग का यूज़ किसके लिए किया गया, एक बार आप खुद से इसको ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं, अभी तक यदि आप नहीं समझ सके तो इस वर्ग का यूज़ किसके लिए किया गया, हु के लिए, और ये हु क्या है, हु का यूज़ किसके लिए किया गया, इस देम के लिए, दैट इज़ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वर्ग का यूज़ किया गया देम के लिए, ठीक है। तो देम कैसा था, प्लूरल, इसलिए ये वर्ग भी कैसे है, प्लूरल। तो यहाँ पर भी वर्ब का पार्ट करेक्ट है और यहाँ पर भी वर्ब का पार्ट करेक्ट है, ठीक है। तो इस सेंटेंस का हमारा आंसर क्या बनेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट अब थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लें ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में देखें ये हमें क्या दिखाई दिया, मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद क्या था, यू, यू आ गया। अब इसके बाद देखें हम लोग यहाँ पे देखें ये मिला वर्ब, अब इस वर्ब को हम लोग क्या कर दें, सिंगुलर से प्लूरल बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ देखिए मोस्ट ऑफ, तो मोस्ट ऑफ के बाद केवल फैमिली देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना भाई, आप इसके आगे चेक करना, पूरा नाउन पढ़ना सेंटेंस को और क्वेश्चन को कम से कम पढ़ना है ठीक से, आराम से, इत्मीनान से। तो फैमिली मेंबर्स कंप्लीटेड, अब ये कंप्लीटेड क्या है, वर्ब का सेकंड पार्ट है और वर्ब का सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कहीं कोई एरर नहीं बनेगा। ऐसे से इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो ये पार्ट भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया।
दैट इज कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बना हमारा, नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम लोग चलते हैं फिर से अपने कुछ रूल्स की तरफ और देखिए हमारा अगला रूल क्या था। तो अगले रूल को जरा देखने का प्रयास करें, थर्ड रूल क्या था, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का। तो अब अगला रूल हम लोग को पढ़ना है मेनी से रिलेटेड। अब आइए मेनी को हम लोग पढ़ना शुरू करें और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ और बोर्ड के अगले पेज में चलते हैं, मेनी के रूल को समझते हैं। ये देखिए मेनी, अब इसे दो टाइप के एरर पूछे जाते हैं। मेनी का मतलब क्या होता है, कई, अनेक, यानी मोर देन वन, और एक से ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर में जो होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, तो हम लोग उसको मानते हैं प्लूरल। एक से ज़्यादा का मतलब क्या है, प्लूरल। देखिए हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और संस्कृत ग्रामर, ये जो तीन लैंग्वेज हैं इसको हम में से ज़्यादातर लोग थोड़ा बहुत भी तो ज़रूर जानते हैं। तो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में दो ही वचन है, दो ही नंबर है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में एक द्विवचन भी है, ठीक है। तो इंग्लिश में ऐसा कुछ भी होता नहीं है। मेनी का मतलब होता है मोर देन वन, और इंग्लिश या हिंदी इन दोनों ही भाषाओं में मोर देन वन का मतलब सीधा होता है प्लूरल। केवल वन है, सिंगल है, तो उसको हम लोग मानते हैं सिंगुलर, और एक से ज़्यादा जैसे ही होता है तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं प्लूरल। ठीक है, तो मेनी का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब अब इसके बाद आने वाला सब कुछ कैसा रहना चाहिए, प्लूरल। तो मेनी के बाद यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा ये हमेशा और हमेशा रहेगा प्लूरल। कैसा रहेगा, प्लूरल। दैट इज कि मेनी के बाद यहाँ जो नाउन आएगा ये कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता, ये कभी भी अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा यहाँ जो भी नाउन आएगा ये हमेशा और हमेशा कैसा रहेगा, तो हमेशा और हमेशा ये रहेगा काउंटेबल। क्लियर है। और तब इसके बाद यहाँ जो वर्ब यूज़ किया जाएगा ये वर्ब भी हमेशा और हमेशा कैसा यूज़ किया जाएगा, प्लूरल। इसमें यहाँ हमें लगता है कि आपने से मैक्सिमम बच्चे इस रूल को ठीक तरीके से पहले से बचपन से भले भांति जानते हैं। अब इसमें जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए ये क्या करता है कि मेनी के तुरंत बाद यहाँ पे एक छोटा सा ए एन आर्टिकल डिटर्मिनर आपको डाल के फंसा देता है। और जैसे ही आपके सामने ए एन आता है अब यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा आपके मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, हम क्या करें। या फिर दूसरा आपके मन में जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है वो ये होता है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था अ लॉट्स ऑफ लिखा हुआ आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। ठीक है, तो आपके साथ क्या होता है कि यदि कभी आपको मेनी के साथ ए एन लगा हुआ मिलता है तो आप इसको इग्नोर कर देते हैं और आपका जो माइंडसेट है वो पहले से बना हुआ है कि मेनी के बाद आने वाला सब कुछ कैसा होगा, तो सब कुछ रहेगा प्लूरल। और आप इसी रूल को यानी ऊपर वाले रूल को नीचे वाले में अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आपसे गलती होती है। तो आप ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। जैसे ही मेनी आपको दिखाई देगा, सेंटेंस के बिगिनिंग में हो या मिडल में हो, कहीं भी हो, आपको जैसे ही कहीं भी कभी भी मेनी दिखाई दे आपको सबसे पहले एक काम चेक कर लेना है, और वो काम ये है कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि मेनी के तुरंत बाद यहाँ पर ए एन गिवन है या नहीं। इसको आप सबसे पहले चेक करेंगे, मेनी के बाद यहाँ पे ए एन गिवन है या नहीं है। यदि मेनी के तुरंत बाद यहाँ पे ए एन गिवन नहीं है तो सब कुछ प्लूरल, और मेनी के तुरंत बाद यदि यहाँ पे ए एन गिवन है तो ए एन का यूज़ हम लोग किस प्रकार के नाउन के लिए करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। तो मेनी के तुरंत बाद यदि ए एन गिवन हो तो इसके बाद आने वाला सब कुछ रहेगा सिंगुलर। कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। कैसा रहेगा, तो ये सब का सब रहेगा सिंगुलर। दैट इज मेनी के बाद यदि ए एन आए तो उसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए इनका एक दो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे आपको एंटेंगल किया जाता है, फंसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है। मेनी अ मेन बिलीव दैट रियल हैप्पीनेस
दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइसेस ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखें, इसी को दूसरे तरीके से हम सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं। मेनी मेन बिलीव दैट रियल हैप्पीनेस lies in making sacrifices. रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। अब आप देखिए, ये दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, लेकिन एरर का पार्ट दोनों में अलग अलग जगहों पे है। चूंकि ये क्वेश्चन जानबूझकर फ्रेम किया गया है आपको एंटेंगल करने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन में जरा सबसे पहले देखिए आपके एग्जाम में एरर कहाँ कहाँ पूछा जाता है। थोड़ा सा पीछे वाले स्लाइड में हम ले चले आपको, इसको आप देखते चले। तो सबसे पहले ये जो नाउन प्रोनाउन का सेक्शन है यहाँ पे एरर पूछा जाता है, ये जो वर्ब का सेक्शन है यहाँ पे एरर पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा एरर इस वर्ब वाले पार्ट में पूछा जाता है। और फिर आप देखेंगे कि इस नाउन या प्रोनाउन वाले पार्ट में भी कभी कभी एरर पूछा जाता है। और ये सारे गाइड कहाँ से होते हैं, तो मेनी या मेनी के बाद आने वाले ए एन के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे गाइड होते हैं। ठीक है, तो अब आइए इन रूल को समझने के बाद इन सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर करना शुरू करें। तो पेन के कलर को हम चेंज करते हैं और यहाँ देखिए मेनी के बाद क्या लगा हुआ है भाई, तो ए एन लगा हुआ है। ए एन वाले को हम थोड़ा सा अलग से कलर से इंडिकेट करते हैं। मेनी के बाद यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, ए एन लगा हुआ है। नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए, ये जो मेनी लिखा हुआ है, इस मेनी के बाद कोई ए एन है क्या, नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि मेनी के बाद यदि ए एन नहीं लगा हुआ है तो इसके बाद आने वाला सब कुछ कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखना भूल गए हैं, मेन का मी हो गया था। अब यहाँ देखिए फिर से हम पेन का कलर चेंज करें, मेनी के बाद क्या आया, मेन। मेन कैसा होता है, प्लूरल, तो ये पार्ट तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये बिलीव, बिलीव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल होता है। चूंकि हमने आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में बताया था, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को एक्सप्लेन करते समय बताया था, वर्ब बाय वर्ब कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो यदि इसमें एसीएस लगा होता तो ये सिंगुलर हो जाता, लेकिन एसीएस नहीं लगा है तो ये प्लूरल है, दैट इज ये पार्ट भी हमारा करेक्ट है। मेनी मेन बिलीव, कई लोग विश्वास करते हैं, मानते हैं, दैट रियल हैप्पीनेस लाइज। अब देखें ये जो दूसरा वर्ब है हमारा लाइज, ठीक है, इस रियल वर्ब लाइज का आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है भाई, हैप्पीनेस। अब ये हैप्पीनेस कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कौन सा नाउन मानते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो ये कैसा होगा, हमेशा और हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो ये लाइज, ये पार्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, ये पार्ट कैसा हो गया, करेक्ट। तो ये जो वर्ब का पार्ट था ये भी करेक्ट हो गया, ये जो वर्ब का पार्ट था ये भी करेक्ट हो गया, और अगला जो नाउन के पार्ट में एरर बनता है, इस नाउन के पार्ट में, ये नाउन का पार्ट भी कैसा है, करेक्ट है। तो इस सेंटेंस में कुल मिला के कहीं पे कोई एरर नहीं है। इस सेकंड वाले क्वेश्चन का, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, नो एरर। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में। मेनी के तुरंत बाद देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, ए एन गिवन है, ए एन गिवन है, और ये क्या है, ये नाउन है, ये क्या है, वर्ब है, ये भी क्या है, वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये हैप्पीनेस। ये अनकाउंटेबल नाउन है, होता है सिंगुलर, इसके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर, तो ये वर्ब का पार्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन फिर वही बात हमने आपको बताया था, मेनी के तुरंत बाद ए एन आए तो उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है सबका सब कैसा रहेगा, सिंगुलर। तो सबसे पहले हमें मेन को करेक्शन करके क्या लिखना होगा, मैन। और इस बिलीव, अब फिर से वही बात, ये बिलीव क्या है, प्लूरल है, इसमें क्या करना होगा, एस लगाना होगा। मेनी अ मैन बिलीव्स, मेनी अ मैन बिलीव्स, क्लियर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ तक ये था हमारा पहला
जो स्लाइड था उसके तीन रूल। अब इस रूल पे बेस्ड आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। तो चलते हैं हम लोग स्लाइड में और स्लाइड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, ये स्लाइड दिया हुआ है मैनी का। अब इसको हमें ले चलना है। अच्छा, मैनी का एक और क्वेश्चन है, चलिए इसको भी पहले बना लेते हैं हम लोग। तो फटाफट जरा इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए यहीं से हम लोग बनाना शुरू करते हैं। और देखिए ये जो मैनी का रूल गिवन है, तो मैनी है, मैनी के बाद क्या है, इंडियन लोकल गवर्नमेंट। सब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट कैसा है, प्लूरल है, गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो ये वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल। तो हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हैव क्रिएटेड। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो किसी एक पार्ट को या कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड को या किसी एक सिंगल वर्ड को अंडरलाइन कर देगा या उसको बोल्ड लेटर में आपको दिखाई देगा, और उसके बारे में आपको इसको इम्प्रूव करने के लिए या नहीं करने के लिए ऐसे चार ऑप्शन गिवन होते हैं। ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट या बोल्ड किया हुआ पार्ट यदि करेक्ट होता है तो आपका आंसर बनता है नो इम्प्रूवमेंट, और यदि इस पार्ट में कहीं कोई एरर होता है तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट नहीं होता। इन दैट केस आपको इन तीन गिवन ऑप्शन में से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बना, आपका आंसर बन गया हैव क्रिएटेड, क्लियर। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग इस स्लाइड से बाहर और इस क्वेश्चन के पहले भी कुछ मैनी के क्वेश्चन यहाँ पे गिवन हैं। तो इस मैनी के क्वेश्चन को आप लोग फटाफट इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको जल्दी से एक बार सॉल्व कीजिए। तो आशा करते हैं अब तक आप लोगों ने इस आसान से क्वेश्चन का आंसर बना लिया होगा। अब आइए साथ में हम लोग एक बार इसको डिस्कस कर लें। यहाँ देखिए मैनी अ मिला, मैनी अ के बाद ये ब्राइड है, ब्राइड में दुल्हन, तो दुल्हन कैसी है, सिंगुलर है, तो ठीक है ब्राइड्स होता तो ये गलत होता, ये करेक्ट है। अब हमें क्या करना होगा, इस हैव वाले पार्ट को कन्वर्ट करना होगा हैज में, ठीक है। फिर से यहाँ देखिए मैनी अ मैन हैव, तो हैव की जगह क्या करना होगा, हैज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मैनी अ बैंकिंग पर्सोनल। बैंकिंग पर्सोनल क्या होता है भाई, पर्सोनल वर्ड का यूज़ करते हैं किसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी के लिए, लोगों के लिए। तो पर्सोनल सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाना होता तो हम लोग पर्सोनल के लास्ट में लगाते एस सी एस। तो फिर से वही बात, देखिए मैनी के बाद ए एन लगा हुआ है, ए एन लगा हुआ है, तो इसके बाद आने वाला नाउन देखिए करेक्ट है। अब हमें कहाँ पे काम करना होगा, वर्ब के सेक्शन में, वर्ब लिखा हुआ है प्लूरल, इसको बना देंगे हम लोग सिंगुलर, क्लियर है। फिर देखिए ये पहला सेक्शन, जिस सेक्शन में कोई एरर होता नहीं है, इस ए एन के अकॉर्डिंग सब कुछ गाइड होता है। साइंस स्टूडेंट, ये हमारा नाउन का सेक्शन है जहाँ पे एरर बन सकता है, और फिर ये हमारा वर्ब का सेक्शन जहाँ पे एरर बन सकता है। तो नाउन का पार्ट देखिए कैसा है, करेक्ट है, वर्ब का पार्ट कैसा है, इनकरेक्ट है। तो इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, इस हैव की जगह हमें लिखना होगा हैज, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक के जो रूल पे बेस्ड और जो कॉन्सेप्ट थे, यानी कि यहाँ तक का फर्स्ट स्लाइड में जो तीन रूल थे और उनके कॉन्सेप्ट आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और इन रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ जो लगाने का प्रयास किया है, इनसे आपके बच्चे कुछ प्रॉब्लम भी दूर हो चुके होंगे। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ, और अगले स्लाइड में देखें कि हमारा अगला रूल क्या है। तो हम लोग अब यहाँ पे आते हैं और इन कुछ नए रूल्स की तरफ हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा अगला रूल है अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। तो आइए इनको हम लोग समझना शुरू करते हैं, अ नंबर और द नंबर, इनका रूल क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, और इनसे किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको ट्रैप करने का प्रयास किया जाता है। ये देखिए अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, अ नंबर ऑफ का मीनिंग होता है मैनी, और मैनी के साथ कौन सा रूल हम लोग यूज करते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो अब अ नंबर ऑफ का मीनिंग यदि मैनी हो जाता है, तो चूंकि मैनी के बाद आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब सब का सब कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाएगा ये कैसा होगा, तो ये होगा प्लूरल,
कैसा होगा ये प्लूरल, और तब इसके बाद आने वाला है यहाँ जो वर्ब होगा ये वर्ब भी कैसा रहेगा, ये भी रहेगा प्लूरल, ठीक है। किसके बाद और नंबर ऑफ के बाद, यानी आप एक प्रकार से हम लोग कहें तो आप इसको रट्टा मार सकते हैं, याद कर सकते हैं, कसम खा सकते हैं। और नंबर यानी कि नंबर के पहले, नंबर ऑफ के पहले जैसे ही आपको अ आर्टिकल का यूज किया हुआ मिले, फिर से अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है मेनी। और मेनी के बारे में अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि मेनी के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ये कैसा होता है भाई, तो ये होता है प्लूरल। और तब इसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है, तो ये जो वर्ब होता है ये वर्ब भी कैसा होता है, ये भी होता है प्लूरल। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ के पहले यदि आर्टिकल ए का यूज़ मिले तो उसके बाद आने वाला सब कुछ कैसा रहेगा, तो सब कुछ रहेगा प्लूरल। लेकिन यही चीज़ नहीं होता, किसके साथ नहीं होता, द के साथ। यानी नंबर ऑफ के पहले, नंबर ऑफ के पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो नंबर ऑफ है, इस नंबर ऑफ के पहले यदि यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया हुआ मिले तो इनके साथ दो क्राइटेरिया बनता है। पहला क्राइटेरिया कि यदि इनके साथ यहाँ पे कोई काउंटेबल नाउन है, कौन सा नाउन है, यदि यहाँ पे किसी काउंटेबल नाउन का यूज़ किया गया हो, यानी कि द नंबर ऑफ के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन आए तो यहाँ पे जो भी नाउन या प्रोनाउन आए ये यदि काउंटेबल हो, काउंटेबल हो तो ये रहेगा प्लूरल। कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा। और तब इस केस में इसके बाद यहाँ जो वर्ब आएगा, इस वर्ब का क्या होगा, दूसरा क्राइटेरिया। यहाँ से हम नीचे की तरफ टेंड करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा चलते हैं। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट यानी जो नाउन या प्रोनाउन हो वो यदि UCN हो, UCN, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन यदि अनकाउंटेबल हो, तो हमने आपको पहले से पढ़ा रखा है अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, तो हमेशा सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए वो रहेगा सिंगुलर। और तब इस केस में इसके साथ जो वर्ब यूज किया जाएगा ये वर्ब भी कैसा होगा, तो ये वर्ब भी रहेगा सिंगुलर, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या करें भाई, अब आप में से कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि चूंकि ये नाउन या प्रोनाउन यहाँ पे जो यूज़ किया गया है ये है प्लूरल, इसलिए यहाँ वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं प्लूरल। लेकिन आप अलर्ट हो जाइए, क्या अलर्ट होना है भाई, अ नंबर ऑफ लगा हुआ है, यानी नंबर ऑफ के पहले यदि आर्टिकल ए एन का यूज़ किया गया है तो एन का यूज़ होता नहीं, हमेशा आपको अ का यूज़ ही दिखाई पड़ता है। फिर से इसको एक बार समझे हम लोग, नंबर ऑफ के पहले यदि आर्टिकल ए का यूज़ किया गया तो उसके बाद आने वाला सब कुछ रहेगा हमेशा और हमेशा प्लूरल। लेकिन नंबर ऑफ के पहले यदि आर्टिकल द का यूज़ किया गया है तो आप अलर्ट हो जाइए, क्या अलर्ट होना है भाई, तो आप इसको ठीक से समझिए। नंबर ऑफ जैसे ही दिखाई दे, नंबर ऑफ के पहले यदि आपको आर्टिकल द दिखाई पड़े तो चेक कीजिए कि इसके बाद आने वाला जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। यदि अनकाउंटेबल है तो आप पहले से जान चुके हैं अनकाउंटेबल हमेशा और हमेशा होता है सिंगुलर, वर्ब भी लेता है हमेशा सिंगुलर। तो यदि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल हो, ये नीचे वाला रूल अप्लाई करेंगे, यदि अनकाउंटेबल हो तो सब कुछ लगा देंगे सिंगुलर, और यदि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हो काउंटेबल तो ये तो रहेगा प्लूरल, लेकिन इसके बाद आने वाला वर्ब फिर भी रहेगा सिंगुलर। ये है डाइलेमा, ये है आपका कन्फ्यूजन। यानी वर्ब के दृष्टिकोण से हम लोग बात करें, सब्जेक्ट को हम लोग छोड़ दें, नाउन प्रोनाउन को यदि हम लोग छोड़ दें, तो आपको एक चीज़ सीखने को मिलता है कि अ नंबर ऑफ के केस में वर्ब हमेशा प्लूरल, अ नंबर के साथ सब कुछ हमेशा प्लूरल, द नंबर के साथ सब्जेक्ट काउंटेबल हो तो वो हमेशा प्लूरल रहेगा, लेकिन वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर। यानी सिर्फ वर्ब पे यदि कंसंट्रेट करें तो अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर, अ नंबर के साथ प्लूरल, द नंबर के साथ सिंगुलर, ठीक है। अब चलते हैं इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सो दैट कि आपका जो कन्फ्यूजन है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज
has got success in ACC exam. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मिल्क which is spoiled is 36. Next, the number of female students have not mentioned in this paper till now. अब इन तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं, और इन तीनों ही क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो हमें नंबर ऑफ देखना है। हमने आपको पहले भी बताया, अभी भी रिपीट कर रहे हैं कि आपको सेंटेंस चाहे जो भी दिखाई दे, उस सेंटेंस के बिगिनिंग में हो या मिडिल में हो, हमें इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहला काम है कि हम सेंटेंस में चेक करें कि नंबर ऑफ का यूज़ किया गया है या नहीं। यदि सेंटेंस में आपको नंबर ऑफ दिखाई देता है तो उसके पहले आप चेक कीजिए कौन से आर्टिकल का यूज़ किया गया, आर्टिकल ए का या द का। चलिए चेक करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आर्टिकल ए का यूज़ किया गया, यहाँ आर्टिकल द, यहाँ आर्टिकल द। तो हमने आपको क्या बताया है, यदि नंबर ऑफ के पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया गया तो कसम खा लेना है। भाई क्या कसम खाना है, उसके बाद सब कुछ कैसा यूज़ करेंगे, हमेशा और हमेशा प्लूरल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग, ये जो स्टूडेंट है ये कैसा दिख रहा है, सिंगुलर। तो सबसे पहले क्या करें, इसको हम लोग यहाँ पे एस लगा दें, प्लूरल बन जाएगा, चूँकि नंबर ऑफ के पहले अ लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए जो वर्ब है, ये वर्ब कैसा है, सिंगुलर है। इसको हम लोग क्या करें, तो इसको भी हम लोग बना दें प्लूरल। तो हैज़ की जगह क्या लिखेंगे, हैव। यदि ऊपर आपको दिखाई ना पड़े तो नीचे देख लेना भाई, दोनों में किसी एक ही जगह यहाँ से रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है। चलो यहाँ से इसको हम लोग रिमूव भी कर देते हैं। तो इस हैज़ की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो इस हैज़ की जगह यूज़ करेंगे हैव का, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कन्फ्यूज़न होगा, इसकी थोड़ा हम लोग चर्चा करें। यहाँ देखिए बॉटल आपको एक तरफ बॉटल दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है मिल्क। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्या कन्फ्यूज़न होगा, कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो आपके मन में ये एक भावना आएगी कि द नंबर ऑफ के बाद मिल्क लगा हुआ है, सब कुछ रहेगा सिंगुलर। लेकिन आप ध्यान दीजिए, टी हो यानी कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे टी है, वाटर है, ठीक है, तो इनके साथ ब्रेड है, ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं। इनके साथ कुछ डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करके इनको काउंटेबल बना लिया जाता है, ठीक है। ये काउंटेबल बन जाते हैं, इनके साथ केवल वर्ब सिंगुलर या प्लूरल चेंज करेगा, किंतु ये कभी चेंज नहीं करेंगे। जैसे टी में कभी टीज नहीं होगा, वाटर का वाटर्स नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो मिल्क है, मिल्क का कभी मिल्क्स नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ देखिए ये जो बॉटल है, बॉटल क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो बोतल का, इस बॉटल वर्ड का यूज़ करके मिल्क को यहाँ काउंटेबल फॉर्म में लाया गया है। अब ये काउंटेबल है इसलिए ये रहेगा प्लूरल, तो ये गिवन भी है प्लूरल, ये पार्ट करेक्ट हो गया। अब हम चेक करें इसके लिए वर्ब कौन सा यूज़ किया गया है, तो इसके लिए वर्ब यूज़ किया गया यहाँ पे देखिए। अब बॉटल कैसा है, काउंटेबल है, काउंटेबल है इसलिए प्लूरल। वर्ब कैसा लेगा, फिर भी सिंगुलर। तो वर्ब कैसा लेगा, फिर भी सिंगुलर। ये देखिए वर्ब कैसा है, सिंगुलर। अभी भैया हमने आपको यही बताया था, द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन चाहे जैसा हो, वर्ब हमेशा और हमेशा कैसा यूज़ करेंगे, सिंगुलर। तो वर्ब कैसा है, करेक्ट। अब आपके मन में एक और कन्फ्यूज़न होगा, सर इस इज़ का यूज़ किसके लिए किया गया है, तो इस इज़ का यूज़ किया गया इस मिल्क के लिए। इसका सब्जेक्ट ये है, चूँकि इस वर्ब इज़ का सब्जेक्ट है मिल्क, मिल्क होता है अनकाउंटेबल नाउन, अपने साथ वर्ब यूज़ करता है सिंगुलर, और ये पार्ट भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें कहीं कोई एरर नहीं था, ये बिल्कुल सही है। अब थर्ड में आते हैं हम लोग।
द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, ये देखिए फीमेल स्टूडेंट्स द नंबर है, नंबर ऑफ के पहले देखिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज किया गया है, और ये जो स्टूडेंट है ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल है इसलिए ये रहेगा प्लूरल। यहाँ देखिए स्टूडेंट में सी एस लगा हुआ है, ये पार्ट करेक्ट है, लेकिन वर्ब कैसा रहेगा, चूंकि नंबर ऑफ के पहले द लगा हुआ है इसलिए वर्ब को हमेशा और हमेशा कैसा रखना है, तो हमेशा रखना है हम लोगों को सिंगुलर। तो इस हैव की जगह हमें क्या यूज़ करना होगा, यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा हैज़। ठीक है, बातें समझ में आई। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इसके आगे की चीज़ों को हम लोग आगे के क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिलीवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।